महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स विभाग 58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना जब्त कर चुका है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कल 30 लॉकर की जांच कर चुकी है वो टीम और अब करीब 30 और लॉकरों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन लॉकरों से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद हो सकते हैं। तो कल 30 लॉकरों की जांच की गई थी, करोड़ों कैश बरामद हुए थे, कई दस्तावेज बरामद हुए थे और अब ये बताया जा रहा है कि 30 और लॉकर हैं जिनकी जांच की जा रही है। इन लॉकरों से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद हो सकते हैं। इनकम टैक्स की टीम जिसने बेहद फिल्मी अंदाज में इस पूरी रेड को अंजाम दिया वो अभी भी 30 और लॉकरों को तलाशने का काम कर रही है और माना जा रहा है कि कुछ और कैश बरामद हो सकता है। रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी सूरज ओझा का। सूरज, इस बारे में और क्या कुछ जानकारी है? जो 30 और लॉकर हैं, क्या उन्हीं लोगों से संबंधित है जिनके लॉकर से पहले इतनी भारी तादाद में कैश बरामद किया गया? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए ये जो पूरा मामला है ये किस तरह से आईटी ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया, कैसे 58 करोड़ तक जब्त किए। तो अब जो 30 अकाउंट थे उनकी तो जांच हो चुकी है लेकिन अब और 30 ऐसे लॉकर्स हैं जिनकी जांच करनी काफी जरूरत है। देखिए आपको बता दें कि ये जो स्टील कंपनी है और जो दूसरी जो इस मामले में संदिग्ध है उन्होंने अपने इंप्लॉयज के नाम पर ये लॉकर्स खोले थे, लॉकर्स बनाए थे लेकिन उस पर इंप्लॉयज का कोई भी कंट्रोल नहीं था। उस पूरे लॉकर पर इस कंपनी के लोगों का ही कंट्रोल था जो इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में अब जो 30 लॉकर्स खुले हैं, हमने देखा कि 58 करोड़ तक कैश मिल चुका है और भी पैसे बाकी है। तो देखिए जो एजेंसी है उनका अनुमान है कि लगभग ये जो पूरा आंकड़ा है 100 करोड़ तक जा सकता है लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है। 30 जो लॉकर्स हैं उसको स्कैन किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा क्या उसमें पैसों के अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कोई ज्वेलरीज भी छुपा कर रखी गई है। तो तमाम चीजें हैं कि कैसे ये पूरा घोटाला किया गया, कैसे जीएसटी चुरा चुरा कर टीएमटी को बेचा गया, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा गया। तो तमाम चीजें हैं जिस पर आईटी की नजर है, आईटी इस पूरे चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। देखिए ये पोस्ट सर्च ऑपरेशन अब आईटी का चल रहा है, कल इनका ऑपरेशन पूरा हो गया था जिसके बाद आईटी ने एक ऑफिशियल प्रेस नोट इशू किया था लेकिन अब ये पोस्ट सर्च ऑपरेशन के बाद का ऑपरेशन चल रहा है जहां पर जो कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तो कई लॉकर्स को स्कैन किया जा रहा है। जी प्रतिमा, बहुत शुक्रिया सूरज ओझा इस जानकारी के लिए। तो सूरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से जालना में अभी भी कैश की खोज की जा रही है। माना जा रहा है 30 और लॉकर हैं जिसमें कैश और मिल सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस वक्त एक क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।